सबको नमस्कार। मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में ही बनारस के ही पास एक जिला गाजीपुर, वहां मेरी पैदाइश हुई और वहां से फिर मैं एक लंबा सफर तय करते हुए बम्बई आया और यहाँ फिल्मों में संवाद लेखन और पटकथा और स्क्रीन प्ले, स्टोरी और लिरिक्स, इन सबसे जुड़ा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लेखक सबके अंदर होता है। जो लेखक आपके अंदर है, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि अपने भीतर के लेखक को जिंदा रखिए। लिखने के लिए जो सबसे बहुत जरूरी एक बात है, वो है जिंदगी को समझना, क्योंकि जिंदगी से जुड़ा हुआ लेखक ही लेखन कर पाता है, ऐसा मेरा मानना है। सबके अपने अपने अलग एक्सपीरियंस होंगे। कुछ भी लिखने का, लिखना मतलब क्रिएट करना है, तो कुछ भी क्रिएट करने का जो एक आनंद है, वो बहुत अलग है। लिखने की आदत है तो मेरे लिखे हुए को लोग बोलते हैं, तो बस स्पीच के तौर पर मैं इतना ही कहूंगा कि अपने लेखक को जिंदा रखिए और उसको मजबूत बनाइए। तो पढ़ाई के दौरान मैं जब बनारस में जेपी मेहता कॉलेज से जब मैं इंटर कर रहा था, तो हमने बनारस में फिल्में देखनी शुरू की बहुत, तो वहां से कहीं ना कहीं एक फिल्मों का जुड़ाव शुरू हुआ। ये था कि हाँ, कुछ लिखा जाए, तो मैंने शायरी से शुरुआत की और मैं गजलें लिखने लगा। इंटरमीडिएट करते करते मैंने एक बच्चों का एक उपन्यास लिख दिया था बनारस में रहते हुए। फिर मैं वहां से इंटरमीडिएट करने वाला इलाहाबाद गया, तो वहां पे अगेन लेखन का मामला था, तो वहां पे एक अच्छा माहौल मिल गया, कुछ लोग मिल गए, एहतराम इस्लाम, यश मालवी जैसे कुछ कवि मिल गए, तो उनके साथ एक माहौल बना, तो मैं कविताएं करने लगा बेसिकली। तो इस तरह से अब लेखन से जुड़ाव होता गया होता गया होता गया, और फिर मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की। आप तो जानते हैं, तो पत्रकारिता में मैंने माया प्रेस में काम किया और वहां से फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जो पत्रिका थी धर्मयुग, उसमें उप संपादक बन के बम्बई आ गया। तो इस तरह से ये सफर लेखन के शुरू ही चलता रहा, मतलब फिल्में देखते थे, एंजॉय करते थे। और उसमें एक बात बहुत खास थी जो कि आमतौर पर उस उम्र के लड़के और खाली फिल्म देखते हैं और फिल्म में जो कहानी होती है उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं जो है बहुत वो क्रेडिट्स बहुत ध्यान से देखता था कि कौन है इसमें, कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है। तो अब पता नहीं, शायद डेस्टिनी में ये था कि किसी दिन मतलब मेरा नाम भी शायद उसी तरह से आएगा, लेकिन ये शुरू से था कि यार कौन, किसने बनाई ये फिल्म। उस समय तो कहीं दूर दूर तक ये भी ख्याल नहीं था कि कभी फिल्म लेखन से रिश्ता बनेगा। अगेन मैं देखिए, मैं इस बात को बहुत अच्छे से अच्छी तरह मानता हूँ कि नियति जो है वो बहुत शानदार खेल खेलती है। आपकी तमाम कोशिशें भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन एक रास्ता बनता है। ये इसमें दो राय नहीं कि बीए में मैंने फर्स्ट डिवीजन से बीए पास किया और लॉ में भी मैंने यूनिवर्सिटी में 10वीं पोजीशन पे था, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छा विद्यार्थी था मैं, अच्छा स्टूडेंट था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय पीसीएस आईएएस का जो माहौल था, तो सब मेरे घर में चाहते थे कि मैं भी कोई अधिकारी बन जाऊं और कुछ करूं, लेकिन अगेन मैंने कहा कि एक तो लेखन का चस्का था और उसमें मजा आता था, और ऐसा लगा नहीं मुझे कि कभी कि मैं कोई अधिकारी मटेरियल है मेरे अंदर। एक आवारगी थी, एक था, तो इस वजह से एक घर के लोग काफी नाराज भी हुए। मेरे फादर तो बहुत ही नाराज हुए, उन्होंने कहा कि ये तो आवारा हो गया और बिल्कुल अब किसी काम का नहीं है। और मैं आपको सही बताऊं तो आज तो हालात स्थितियां बहुत अलग है, तो बहुत दिनों तक ये बात समझ में नहीं आई, ये मेरे परिवार वालों में किसी को भी समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैं टाइम्स में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मैं आया और वहां पे सैलरी के तौर पर एक ठीक ठाक जो है वो पे स्केल दिखी जब, कि और वो लगा कि अरे ये तो अधिकारी वाली एक पे स्केल है, मतलब मुंशी मजिस्ट्रेट वाली, तब जाके एक बात समझ आई कि हाँ नहीं यार, लेखन भी जो है वो, या पत्रकारिता भी एक ऐसा माध्यम है। लेकिन नो डाउट कि उनकी उम्मीदों पे शुरू में तो बहुत पानी फेरा मैंने, काफी जब मैं लिखना शुरू किया
तो उस समय पढ़ते तो पढ़ा तो पढ़ना तो सभी को शुरू किया धीरे धीरे कि, और क्योंकि मैं उर्दू शायरी की परंपरा से जुड़ा था तो उर्दू शायरी ज्यादा पढ़ रहा था। तो गजलों में दुष्यंत कुमार का उस वक्त जो है बहुत, आज भी बहुत शेर उनके कोट किए जाते हैं, तो उनका बड़ा असर था कहीं ना कहीं कि ये था कि यार इनके जैसे शेर कहने हैं। और गजलों की बात जो कही जाती है कि ये रोमांटिसिज्म का मामला है और रोमांटिक गजलें जो है वो महबूब से बात करने को गजल कहते हैं, तो उसमें दुष्यंत कुमार ने उसको तोड़ा तोड़ा कि इसमें नहीं, इसमें हम पसीने की बात भी कर सकते हैं, इसमें हम मेहनत कश की भी बात कर सकते हैं, इसमें हम मजदूर की भी बात कर सकते हैं। तो वो एक फैसिनेशन था उनकी शायरी को लेकर, तो उसका बड़ा असर पड़ा। दूसरा मुझे बहुत पसंद थे निदा फाजली, निदा साहब का की शायरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बाद में तो खैर निदा साहब दोस्त हो गए, दोस्ती हो गई बम्बई आने के बाद, और काफी शामें उनके साथ गुजरती थी। तो कह सकता हूँ कि इन लोगों का असर बहुत ज्यादा था। और कविताओं में जैसे कविताएं भी पढ़ता था मैं, तो जैसे अरुण कमल थे और बाकी बहुत सारे लोग थे, तो कहीं ना कहीं एक वो धीरे धीरे अंदर एक बात थी, बेसिक बात ये थी कि जो आवाजें दबी कुचली हैं या जो जो हाशिए पर लोग हैं उनकी आवाज को आवाज दी जाए। मैंने शुरुआत की गजलों से, उर्दू शायरी से, तो एक एक उस समय गजलों में एक परंपरा थी कि एक मतला होता था, एक मक्ता होता था, तो यानी कि गजल का आखिरी शेर जो है वो मक्ता कहलाता था, जिसमें कि शायर का नाम होता था, जो उपनाम जैसे आप कह सकते हैं कि मतलब जिसको कि मक्ते में नाम होता है, तो वो नाम क्या होगा? तो संजय श्रीवास्तव तो नहीं हो सकता था क्योंकि वो बहर में और मीटर में और रिदम में तो नहीं था। ऐसे ही नाम रखते रखते, और कुछ आप ये कह सकते हैं कि एक एक नई पहचान बनाने वाली बात भी थी कि कहीं ना कहीं कि ये श्रीवास्तव ठीक है, वो तो अभी भी नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे एक उस्ताद कह सकते हैं हम, खलीज गाजीपुरी थे, उन्होंने एक सजेशन दिया कि अच्छा राही मासूम रजा साहब जो है वो हमारे इलाके के गाजीपुर में, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि यार राही मासूम रजा भी उधर के ही हैं और आप भी उधर के ही हैं, तो अपने नाम के साथ मासूम लगाइए आप। तो कहीं ना कहीं एक बात जो है समझ जाएगी, हाँ ठीक है यार। और दूसरी बात क्या थी कि संजय के साथ मासूम एक एक नयापन जैसा फील हो रहा था, और फिर इस नाम से पहचान धीरे धीरे मिलने लगी और बनती गई। अच्छा उस वक्त बम्बई में बड़ा अच्छा माहौल था, तो एक तो हम लोग धर्मयुग से निकलते थे और शाम को धर्मयुग का काम जो है 5-6 बजे तक खत्म हो जाता था, तो उसमें यह था कि दूसरी बात क्या थी कि एक तो इतनी लोकल ट्रेनों में भीड़ होती है शाम को, तो ये होता था कि वो जिसको हम पीक आवर्स बोलते हैं बम्बई में, कि आप 6 बजे से लेकर और 8 बजे तक तो आप हिम्मत नहीं कर सकते, और हम लोगों को आदत थी नहीं, हम लोग बिल्कुल नए नए गए थे वहां से। तो एक ये था कि यार अभी पूरी भीड़ थोड़ी निकल जाए उसके बाद जाएंगे, तो वो 2-3 घंटे मिलते थे हमको, तो 2-3 घंटे अब क्या करना है। तो 2-3 घंटों में ये जो महफिलें जमने लगी, तो उसमें फाकिर साहब वहाँ गेस्ट हाउस में, हस्ती में हस्ती के गेस्ट हाउस के दुकान के पास रहते थे, निदा साहब खार में रहते थे, तो ये सब हमारे ऑफिस मतलब वीटी से नजदीक था, वो पार्ला था, वो खार थे, तो और सबके अंदर एक वो दौर था कि सब सब कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे और पहचान बनाने की, लिखने की। और ये लोग तो सीनियर थे, कैलाश सेंगर जी और सुमन सरीन जी, तो मैं तो नया नया अभी आया था, लेकिन वही एक बेचैनी थी। तो इन लोगों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी, तो जब भी ऑफिस से निकलते थे तो यहाँ बैठ जाते थे, कभी नीरा साहब के यहाँ बैठते थे, तो इस तरह से माहौल जो है सुनने सुनाने का, बेसिकली लिखने का, ऐसे ही बनता है माहौल कि आप जब साथ में बैठते हैं तो कुछ सुनते हैं और कुछ सुनाते हैं, और फिर कुछ चीजें आती हैं, फिर डिस्कस करते हैं बाकी लोगों को डिस्कस। तो एक एक ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, आपको आपको मजा भी आता है, आप दोस्तों के बीच भी होते हैं और सीख भी रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करता था जानबूझ के कि जितना वक्त मेरा इन लोगों के साथ बीत सके, तो वो बहुत शामें याद आती हैं। तो अब तो बम्बई में वो माहौल नहीं है, अब तो निरा साहब भी नहीं है, सोहा शफाकिर भी नहीं है, कैलाश जी भी नहीं है,
सो काफी इन लोगों को मिस करते हैं हम लोग। लेकिन धर्मयुग जब बंद हो गई तो हम सबको नवभारत टाइम्स में शिफ्ट किया गया। तो लेकिन क्या था, ईमानदारी से मैं कहूँ तो नवभारत टाइम्स के पत्रकारिता करने में बम्बई नहीं गया। अगर वो पत्रकारिता करनी होती तो मैं इलाहाबाद, बनारस और कानपुर और लखनऊ में करता, बहुत सारे ऑफर भी थे। मैं बम्बई आया था एक एक नेशनल लेवल की एक रचनात्मक पत्रकारिता जो धर्मियों की थी। फिर मैंने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि फिल्में मुझे पहली फिल्म मिली, उसके बाद फिर फिल्में मिलती गई और मैं उस तरह से चल पड़ा। तो उसके बाद जब फिल्मों की तरफ मैंने रुख किया तो सनी उस समय एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाह रहे थे जिसमें कि वो काफी बड़े लेवल पे बनाना चाह रहे थे, उसमें उनको एक नए संवाद लेखक की जरूरत थी। तो कुछ लोगों ने मेरा नाम सजेस्ट किया, पत्रकारिता के दौरान मिलते रहते थे तो सजेस्ट किया। तो उनके डायरेक्टर से मिला मैं और उन्होंने कहा कि आप दो तीन सीन उन्होंने दिए मुझे और कहा कि लिख के ले आइए, दिखाइए। तो एक तरह से एग्जाम देने वाली बात थी, परीक्षा। तो मैंने तीन सीन लिखे, उनको सुनाए और फिर उनको अच्छे लग गए। फिर सनी को उन्होंने सनी से मिलवाया, सनी देओल से, और सनी को सुनाया तो उसको भी अच्छे लग गए। तो इस तरह से एक सिलसिला बन गया। फिर सनी देओल के साथ एक ट्यूनिंग हो गई मेरी और शुरुआती सारी फिल्में मैंने सनी के साथ ही की। उसके बाद फिर क्या होता है फिल्मों में कि फिल्मों का चलना जरूरी होता है, फिल्म क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है और बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सनी की बात की कुछ फिल्में चली नहीं और उसका असर हम सब पर पड़ा। तो उसके बाद फिर राकेश रोशन से मुलाकात हुई, फिर वो उस समय क्रिश प्लान कर रहे थे। तो क्रिश के लिए भी वही बात है कि आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं होता है, जो लोग सुन रहे हैं बच्चे आज का कार्यक्रम, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ कर लिया है तो आप उस मामले में आप मान लिए गए हैं कि आपको आता है ये काम। यहाँ आपको हर कदम पे नया चैलेंज, नया काम है, नया ऑफर है तो नया चैलेंज, और आपको वापस प्रूव करना है अपने आप को। तो फिर वही क्रिश में भी उस तरह से हुआ। तो फिर मैंने कुछ सीन लिखे, उनको सुनाए, उनको अच्छे लगे, तो इस तरह से क्रिश के साथ जुड़ा मैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जरूरी होता है किसी भी फील्ड में होता है कि जब आप जिसके साथ काम कर रहे होते हैं उसके साथ एक ट्यूनिंग का होना जरूरी होता है। तो ट्यूनिंग जैसे सनी के साथ मेरी थी, फिर राकेश रोशन के साथ बन गई, तो उनके साथ मैंने काम किया। उनके साथ तो अभी मैंने काबिल जो है मेरी 2017 में रिलीज हुई थी तो वहां तक किया, मतलब 12-13 साल उनके साथ काम किया। क्रिश 2007 में आई थी, काबिल 2017 में आई थी, तो 14 साल एक मतलब राकेश जी के साथ काम करना तो ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और उसके बाद फिर महेश भट्ट के साथ, तो वही भट्ट साहब के साथ तो ये था कि मेरी जो गजलों की किताब आई थी यहीं कहीं, उसका विमोचन उन्होंने किया था भट्ट साहब ने। और भट्ट साहब मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते थे अपनी बातों से और उनका जो और तो उसके बाद फिर उनसे मुलाकात हुई उसी इसी सफर में, तो उनके साथ लिखना शुरू हो गया। और भट्ट साहब ने न सिर्फ डायलॉग लिखवाया मुझसे बल्कि मुझसे गाने भी लिखवाए, मुझसे गीत भी लिखवाया उन्होंने। और जन्नत 2 एक फिल्म थी उसमें 3 गाने लिखवाए, फिर आशिकी 2 में एक गाना लिखवाया जो काफी अभी भी बहुत पॉपुलर है, भुला देना मुझे। सुदर्शन फाकिर साहब तो ऐसा था कि उनकी गजलें इतनी पॉपुलर थी, इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, बेगम अख्तर ने गाई थी उनकी गजल। हाँ, तो लेकिन उनको कोई नहीं जानता था। तो मैंने एक कवर स्टोरी की थी, हाँ, कि बहुत गुमनाम है एक मशहूर शायर, तो उनकी उनकी गजनी इतनी पॉपुलर लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता था। वो एक छोटे से लॉज में रहते और वो किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। और कहना नहीं चाहिए लेकिन जगजीत सिंह को जगजीत सिंह बनाने में उनकी गजलों का, उनकी नज्मों का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ये मतलब भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी है जो गजल, जो नज्म जगजीत सिंह की बहुत पॉपुलर ये है काफी ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, ये सुदर्शन फाकिर की लिखी हुई गजल है। लेकिन ये नज्म सबने सुनी होगी लेकिन फाकिर सुदर्शन फाकिर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे।
तो ये था कि उनसे मिलके, हालांकि मिलने पे भी जल्दी तैयार नहीं होते थे वो, लेकिन शायद मैं पहला था कि उनसे मैं मिल मिल के उनको मैंने तैयार किया बात करने के लिए। तो वहां पे जाहिर सी बात है कि जगजीत, क्योंकि उनकी गजलों के उस पे गाते थे और उनकी नज़में तो आते थे, और निजा फाजली के भी आते थे, तो इस तरह से जगजीत से मुलाकात तो थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मन तो मेरा करता था कि इतने बड़े सिंगर है और मेरी भी गजल गा दें यार प्लीज तो मन तो करता था, लेकिन ये आदत नहीं रही शुरू से कि मैं इस तरह से करूं कि मेरी गजल भी गा दीजिए, तो ऐसा मैंने कभी कहा नहीं। वो इत्तफाक की बात ये थी कि एक एक फंक्शन था, एक काव्य गोष्ठी थी, पोएट्री सिंपोजियम था छोटा सा, उसमें दर्शकों में जगजीत भी थे, और वहां मैंने ये गजल पढ़ी मंच से, कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। तो वो तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ जगजीत आए, ये बड़ा सिंगर और बड़ा आदमी और कितना सरल आदमी होता है ये भी एक एग्जाम्पल है कि खुद सामने से जगजीत आए, उन्होंने कहा कि अभी आपने जो गजल पढ़ी है इसे मैं गाना चाहता हूँ, तो आप मुझे देंगे ये? तो मैंने कहा कि देखिए अल्लाह क्या मांगे दुआ के, मैं तो कब से मन ही मन सोच रहा हूँ कि यार आप कभी गा दें जगजीत। तो मैंने कहा अरे क्या कैसी बात कर रहे हैं, तो वहीं पे उन्होंने फिर वो टिश्यू पेपर उठाया और टिश्यू पेपर पे गजल लिखी उन्होंने अपने हाथ से, हाँ, और फिर वो ले गए। फिर उसके बाद एक आध साल तक तो कुछ कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर उसके बाद अचानक एक दिन शाम को फोन आया कि आपके गजल की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ मैं, और इसमें ये वर्ड मैंने चेंज कर दिया है तो ठीक है आपके लिए। तो मैंने कहा अरे कोई बात ही नहीं है, कि बहुत तो अच्छा कर दिया आपने कि अपने अंदर के लेखक को बढ़ावा दे, उसको उसको सामने लाएं और झिझके नहीं, ऐसा ना सोचें कि मैं क्या लिख रहा हूँ तो अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ना सोचें, और जो उनको समझ में आता है, जो दिल करता है, जो अपनी बात कहने का, वो माध्यम कोई भी हो, चाहे कविता हो, चाहे निबंध हो, चाहे लेख हो, चाहे गीत हो, उसको कहें और कहते रहें, और इसका अपना एक अलग आनंद है, अलग मजा है।